रिजर्व बैंक के बाद सेबी से सरप्लस फंड को लेकर भी विरोध शुरू हो गया है। जी हां, सेबी चेयरमैन ने इस मामले पर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी है। और ब्रजेश हमारे सहयोगी इस वक्त इस पूरी खबर के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, बताइए मामला क्या है? दरअसल बजट में यह प्रस्ताव किया गया था कि सेबी के पास जो सरप्लस फंड बचता है उसका एक हिस्सा जो है हर साल जो है वो सरकार को ट्रांसफ़र किया जाए, और ये प्रस्ताव जो है वो बजट में लाया गया था, और इसके जरिए ही बजट के जरिए ही सेबी एक्ट में संशोधन करके इस प्रस्ताव को अमल में लाने की जो है वो कोशिश है। तो सेबी का इस बात को लेकर एतराज़ है कि ये चूँकि सेबी के पास बहुत ज़्यादा वैसे भी सरप्लस फंड होता नहीं है और सेबी सरकार से फंडिंग के लिए सीधे तौर पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसकी जो अपनी आमदनी होती है सब्सक्रिप्शन से और एनुअल फीस से या जो उसका इन्वेस्टमेंट है उस पर जो रिटर्न आता है उससे उसकी आमदनी होती है सेबी की, और बाकी जो स्टाफ का खर्च है या जो ऑफिस चलाने का खर्च है एस्टेब्लिशमेंट का खर्च है वो उससे निकलता है, और उसके बाद कोई बहुत बड़ी मोटी रकम बचती नहीं है सेबी के पास। करीब इस वक्त अगर देखें तो 2300 करोड़ रुपए का जो है वो जनरल फंड में पैसा रखा हुआ है। तो जो वित्त मंत्रालय की मांग थी ये कहा गया था कि सेबी एक रिज़र्व फंड बनाए और उस रिज़र्व फंड में हर साल का जो जनरल फंड का 25% जो सरप्लस बचता है उसको ट्रांसफ़र करे, लेकिन ये जो सरप्लस जो रिज़र्व फंड में जो पूरा पैसा है वो क्या 2 साल के खर्च से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो एक तरह से सेबी को ऐसा लगता है कि उसके जो वित्तीय अधिकार हैं उस पर कहीं ना कहीं एक रोक लगाने की कोशिश हो रही है। सेबी की चिंता इस बात को लेकर है कि कुछ भी अगर उसको अपना स्टाफ स्ट्रेंथन करना है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो बार बार जो है जो वित्त मंत्रालय की ओर जाकर हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो सेबी जो है इस बात को लेकर सहमत नहीं है और इस बात पर एतराज़ है सेबी का। बिल्कुल, लेकिन सेबी को सरप्लस देने में दिक्कत क्या है? दिक्कत अगर देखें तो 2300 करोड़ रुपए जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुल जो है वो जनरल फंड में पैसा है, और सेबी को अपना स्टाफ स्ट्रेंथन करना है क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं काफ़ी वायोलेशंस के जो सेबी एक्ट के तहत जो भी मार्केट को रेगुलेट करने के तो बहुत सारे जिम्मेदारियां सेबी पर आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है उससे लेकर उससे जुड़े मामलों में, तो ये बहुत सारे खर्चे करने हैं सेबी को। और दूसरा जो सेबी का ये कहना है कि चूँकि सेबी के खातों का सीएजी ऑडिट होता है, साथ ही सेबी के बोर्ड में जो सरकारी प्रतिनिधि हैं मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं वो भी बैठते हैं, तो कहीं से कोई गड़बड़ी की जब कोई बात नहीं है तो ये सरप्लस फंड ट्रांसफ़र करने की बात क्यों की जा रही है, और साथ ही कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं है जिससे कि सरकार के खजाने पर बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा सेबी के इस फंड ट्रांसफ़र से। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए ब्रजेश, और वाकई देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है।